3 लाख की स्मैक खपाने आए दो युवकों को पकड़ा। सिटी कोतवाली पुलिस ने गुरुवार की सुबह बीनागंज से खरीदकर शिवपुरी स्मैक बेचने ला रहे युवकों को पकड़ा है। युवकों के पास पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक बरामद की है। इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। पुलिस ने युवकों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने दोनों युवकों को जेल भेज दिया। सिटी कोतवाली TI सुनील खेमरिया को सूचना मिली कि एक अपाचे बाइक से दो युवक बीनागंज गुना से स्मैक लेकर शिवपुरी आ रहे हैं। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस के SI दीपक पलिया और SI सुमित शर्मा ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ बुधवार गुरुवार की रात गुना बाईपास पर चेकिंग लगाई। इस दौरान गुरुवार के सुबह 4 बजे अपाचे बाइक सवार युवक दूर से पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों युवकों को फतेहपुर चौराहे पर पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों की तलाशी ली गई तो फरहान उर्फ अल्लाह उम्र 32 निवासी कमलागंज चिलौत की जेब से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई, तो वहीं उसके साथ में बैठी युवक ने अपना नाम आशिम उम्र 33 पुत्र इकबाल पठान निवासी इंद्र कॉलोनी बताया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसमें जो स्मैक पकड़ाई है वो 30 ग्राम उसका वजन है, उसकी करीब 3 लाख कीमत है और मुखिया द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया था।